नमस्कार नमस्कार। साउथ टीवी न्यूज सर्विस की तरफ से आपका स्वागत है। मैं हूँ महंगाई ने खबर दी है कि रुपए की गिरावट और महंगाई में तनाव के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। शहर के हर गली हर मोहल्ले में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण बताई जाती है। इसके पागलपन के लिए खेद है। ओ मैन, बताया जाता है कि इस लड़ाई का असर देश के सारे धर्मों कर्मों वर्गों और सेक्सों पे पड़ा है। इसके साथ ही सभी जनजातियों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों वन जातियों सब वर्गों विधायकों और पुलिस वालों पर भी पड़ा है। स्थिति का जायका लेने हमारा संवाददाता छटपटाता फिर रहा है। हाय रघु, शहर में आज दिन भर शकल हजल का माहौल बना रहा। सुबह से ही रुपए की गिरावट के डर से लोगों ने सोना बेचना और खरीदना शुरू कर दिया। इसी बीच महंगाई के कुछ रखवाले दुकानों में घुस गए और सारी चीजों की कीमतें बढ़ा दी। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सोना बेचकर वो चीजें खरीदे या चीजें बेचकर सोना, इसीलिए वो इधर उधर हो रहे हैं। तो रवि, तुम्हें क्या लगता है स्थिति में सुधार कैसे आएगा? मेरे ख्याल से तो इसमें वित्त मंत्री जी का नारा ही सही है, तुम मुझे उधार दो मैं सब सुधार दूंगा। दिस इज रवि फॉर फन टीवी, इंडिया का एक शहर। अब हम आपको भारत के सामाजिक ढांचे के गाइडेड टूर पर ले चलेंगे। इस टूर में आप देखेंगे कुछ ऐतिहासिक स्थल, जैसे उच्च वर्ग का किला, मध्यम वर्ग का सकरा दरवाजा, निचले मध्यम वर्ग का गुंबज और गरीबों की झोपड़पट्टी। जरा माइक पूछ दीजिए। नमस्कार, इस टूर का को गाइड मैं हूं और मैं अदृश्य रूप से नोट्स बनाता रहूंगा क्योंकि मुझे वापस जाकर कुछ नए टैक्स और लगाने हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री श्याम सुंदर मालपानी के घर पर, जो संपन्न वर्ग के प्रतिनिधि हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको अदृश्य बनाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लोग कैसे मान जाएंगे कि मैं अदृश्य हूँ? अरे यार, आपने मिस्टर इंडिया देखी है? हाँ देखी है। पैसे देकर देखी है? पैसे देकर देखी, कसम से। और वो मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो बिना पैसे दिए हुए आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि आप इनविजिबल हैं? Yes, logic. So, अब इनको सिर्फ मैं और आप लोग देख सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। मिस्टर मालपानी। अरे वाह, ये अपर मिडिल क्लास वाले तो अपना घर लॉक भी नहीं करते। कितनी सेफ्टी है देश में, मुझे होम मिनिस्टर साहब को फोन करके बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में, पहले इंटरव्यू कर ले, उसके बाद अपने आप से बात करता है। तुम कौन मांगता? नहीं, वो ये वो मैं मिस्टर मालपानी है, मैं फन टीवी से आया हूँ उनको इंटरव्यू लेने। टीवी एक मिनट बुलाता है। आइए बैठिए। बट देखिए देखिए, सुनिए, बीच में बोलिएगा मत, प्लीज बी साइलेंट, प्लीज सिट डाउन। सॉरी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, सिट डाउन सिट डाउन। ये रुपए की गिरावट और महंगाई से आपको क्या फर्क पड़ा है मिस्टर मालपानी? देखिए, द नेम इज मनी पेनी, सैम मनी पेनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओ, मेरे को मिलवाओगे नहीं? And this here is my wife, Kala Mani Feli, from the United States of India. Hello, ji. Hello. आप महंगाई के बारे में क्या कहते हैं मिस्टर माल, सॉरी मिस्टर मनी पेनी? महंगाई ने तो हमारा लाइफ बदल दिया है। पहले कितना रौनक था, अच्छा कपड़ा खरीदो पहनो फेंको, अच्छा खाना खाओ प्लेट फेंक दो, पार्टीज ड्रिंक्स ऑर्जीज, छह बावर्ची छह गुलाम, छह गुड लुकिंग बटलर नी, पर अब सिर्फ ये। अब देखो ना, हमारा रोज का खर्चा कितना बढ़ गया है। हाँ देखिए ना, सब्जी कितनी महंगी हो गई है और शक्ल की तो बात ही मत पूछिए। वो तो है, मगर सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि हमको समझ में नहीं आता ये फाइव स्टार होटलों ने उनका खाने का दाम कितना बढ़ा दिया है। पता नहीं खाना कहाँ से मंगाए, ऑर्डर किधर से करे, ताज से ओबरॉय से, बल्लू के ढाबे से बहुत महंगा। सॉरी सॉरी। और कोक स्कॉच वाइन कॉन्याक सबका दाम बढ़ गया है। शट अप, कोल्ड ड्रिंक है क्या? हीरे ज्वेलरी परफ्यूम,
इनकी तो बात ही नहीं पूछो। हाँ, लेकिन ये सब चीजें आप खरीद तो लेते हैं ना? बस किसी ना किसी तरह चला ही लेते हैं। ओ माय गुड, ये तो मेरी किटी पार्टी का टाइम हो गया है। यस, गो गो गो। आ, तू मेड़ा वाला लेके आई? थैंक यू। ओके डियर, बाय बाय। ओके, कम अगेन। यस आई विल। थैंक यू। अब मैं महंगाई से लड़ सकता हूँ। वो कैसे? अब मेरी इन्फ्लेटेड बीवी फुली कन्वर्टेबल यानी पूरी तरह बदल जाएगी और मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या मतलब? आपकी बीवी किसी से बदल जाएगी? आत्मा में? वो किसी आश्रम में जा रही है क्या? नहीं, मरने को। महंगाई देखने के बाद मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक ही औरत का खर्च उठा सकता हूँ, या तो मेरी बीवी का या तो मेरी प्रेमिका का। और टॉस में जीत गए मैं। मैंने इस मोटी के कोल्ड ड्रिंक में 2632 नींद की गोलियां मिला दी। तुम मेरी मेन हो, मैं तुम पर मैड हूँ। रवि, थैंक यू मिस्टर मनीपेनी फॉर योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। दिस इज रवि फॉर फन टीवी साइनिंग ऑफ। अस्पताल में 2 दिन गुजारने के बाद हम दोनों अपने टूर के अगले मुकाम की ओर बढ़े। ये हमारी लोकेशन। अरे वाह, ये घर भी खुला है। कितना खुला वातावरण है। पर देखिए, आप बोलेगा मत। अच्छा, ऐसी बताओ, मैं दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या है कि मुझे गरीब लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ फनमोहन जी, बोलिएगा मत। अच्छा। प्लीज धनीराम जी। कौन है? अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। मैंने आपको बताया था ना कि वो फन टीवी के हम लोग एक महंगाई पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये बढ़ती हुई महंगाई में आपके जीवन में क्या फर्क आया है? आया है ना, हम क्यों पीछे रहे? पहले एक कमाता था, आज 4 कमाते हैं। बेकारी दूर हो रही है, बेकारी। तो इसका मतलब है कि आपकी वाइफ भी काम करती है, वर्किंग वाइफ फॉक्स। तो इससे तो आपकी भाई का खर्चा बढ़ जाता होगा। नहीं, हम भाई नहीं रखते। तो फिर ये? हाँ, ये मेरी बीवी। नमस्ते। हेलो पुष्पा। अच्छा, और ये फन टीवी से आए मुलाकात लेने के लिए। कुछ चाय वाय बना? थैंक यू। तो आपकी वाइफ तो भाई का काम करती है और बाकी लोग? शायद पिताजी फिर गिर पड़े। अरे आज कहाँ गिर पड़े? अरे उसी रेड सिग्नल के पास एक सुंदर जवान लड़की के पीछे भागे भागे जा रहे थे, अखबार अखबार कहते हुए। पुरानी आदत जाती नहीं है बेटा, वही अखबार नहीं बिका, बस वही बच गया। उस सिग्नल के पास कल से मत जाना। अच्छा। सिग्नल खराब है। अच्छा। अगले सिग्नल पर जाना। हा? हा? अरे हाँ, चाय आ गई। ये पिताजी आप लेंगे? नहीं बेटा। माता जी आप? नहीं। चलो, 2 चाय बज गई, शाम का काम हो जाएगा। हाँ, भाई अब तुम क्यों रो रहे हो? आप लोग ऐसे कैसे रह रहे हैं? मत रो बेटा, मत रो, हम तो खुश हैं। क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान हो चुका है। इस जन्म में अगर सब्जी रोटी चीनी ना मिले तो अगले जन्म में उसकी उम्मीद भी मत रखो। मतलब चिंता छोड़ो और आदत डालो। अरे ये तो मेरी किताब लगता है पढ़ा हुआ है। जीवन एक ऋण है फनमोहन शास्त्र से। ये कहाँ से आवाज आ रही है? अरे ये क्या हो गया? अरे पुष्पा, अभिनंदन अभिनंदन, पिताजी को फिर से एडमिट करना पड़ेगा। आप लोग हंस रहे हैं? तो इसमें दुख की क्या बात है? अरे उन्हें 4 दिन आराम से खाना तो मिलेगा, जैसा कि संत फनमोहन ने कहा है। जीवन एक ऋण है और अस्पताल उसका ब्याज है, तो हमें ही भरना पड़ेगा। फन टीवी, रवि द स्लम्स। थैंक गॉड, अभी तक तो हमारे देश की हालत बहुत अच्छी है। सुनो। बोलो। ये क्या कर रहे हो? कैंटी मनी चेंज कर रहा हूँ, करना क्या? नहीं नहीं, ये तो जाओ जाओ जाओ, खाली पीली टाइम नहीं खोटी करने का। अच्छा भैया सुनो तो। नहीं सुनने का, अभी धंधे का टाइम जाओ। छोकरा तो रुक क्या बेच रहा है? हाँ बेच रहा है। ये लो $200। $200 में
कम नेक्स्ट टाइम चेंज मनी ओके गुड नाइट। ये डॉलर का क्या रेट है आजकल? कौन सा, अमेरिकन डॉलर, इंडियन डॉलर, जापानी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कौन सा? डॉलर ही डॉलर। अमेरिकन डॉलर का क्या रेट है? फिर से बोलना। अमेरिकन डॉलर्स का क्या रेट है? ए आंटी, ये मर्द का आवाज कैसे गले से निकाला, हमको बोलो ना, हम 50 रुपया देगा। तुम इसका क्या करोगे? खरीदने और बेचने का रेट अलग अलग आवाज में बोलेगा, बहुत कस्टमर आएगा। डॉलर ले लो, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। मार्केट स्ट्रेटजी ऑन द रोड्स। हाँ सिखाएगी, लेकिन ये बताओ कि डॉलर का रेट कितना है? हांगकांग में गरम है, सिंगापुर में नरम है, न्यूयॉर्क में 13 पॉइंट नीचे गिरेला है, टोक्यो में 9 पॉइंट, लंदन में बम ब्लास्ट हो रहा है, सब कुछ 13 मंजिल नीचे आएगा। अभी तुमको किधर का मांगता है? इधर इंडिया में डॉलर कितने का है? आप उन 32.50 में लेता सब कोई अपन को देता है। तुम ये बताओ कि तुम कमाते कितना हो? बस आंटी ऐसी खाने पीने के लिए निकल आता है और क्या। नहीं नहीं, फिर भी तकरीबन कितना? अब ऐसे कैसे बताएगा, तुम टैक्स वाला निकला तो? अरे नहीं, हम तो टीवी वाले हैं। टीवी वाले? आंटी मेरा भी फोटो खींचो ना टीवी में अपने साथ। हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे दर्शकों को उस कैमरे में बताओ कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो। नहीं कैमरे में नहीं बताएं। अरे बताओ बताओ, झिझक बताओ। मैं बड़ा होकर रिजर्व बैंक खरीदना चाहता हूँ और अमिताभ बच्चन को पीएम बनाकर दुबई जाना चाहता हूँ विद फैमिली। जय हिंद। अब जाऊं आंटी, दुबई में मिलूंगा। सुना आपने? नमस्कार। रुपए का तापमान आज फिर ठंडा रहा, कल सूरज निकलने पर उधारी कुछ उम्मीद की जा सकती है। हमारे 4 मुख्य शहरों में हम लोग रुपए का तापमान रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हमारा सैटेलाइट इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है। रिच एंड द इन्फेमस एंड एक्शन। एवरीबॉडी नोज उचुमादेस। हम ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? राय? डू यू मीन ओपिनियन? पुअर, वेरी पुअर इंडीड रवि। क्यों? Did you know I haven't thrown a party in the past 1 week? Really? Yes. Did you know how expensive a bottle of Blue Label is? Yeah. But come here. Really? Yes. Then there's the food, the booze, music, waiters. My God, it's so expensive to throw a party these days. That's really very bad. Yes, and did you know that... It has a very bad effect on my writing. How? वो ऐसे रवि कि मुझे parties देनी पड़ती, मुझे celebrities बुलानी पड़ती है, city के industrialists, politicians, bureaucrats, policemen, वो लोग मेरे घर पे आते हैं, I give them food, I give them booze, then I see them interacting. मैं उनको देखती हूँ एक दूसरे के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं और फिर मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ और फिर मैं उनके ऊपर एक किताब लिख डालती हूँ। How exciting! You mean to say कि जो आपकी किताबों में होता है वो सारा लव और वो सेक्स और वो परवर्जन्स? Of course, आंखों देखा हाल है। Besides, personal experience counts. Of course, but तुम्हारी पार्टीज तो बड़ी महंगी होती होंगी। Not at all, मेरी किताबें बेस्ट सेलर्स हो जाती हैं। इनफैक्ट हैव यू रेड द लेटेस्ट वन, झुलसती रातें? पूरी 10 पार्टीज लगी थी इसके लिए। ओह रियली? और आपकी अगली किताब? नहीं, वो तो एक ही पार्टी पे बेस्ड है, बहुत पतली किताब है। लेकिन इससे आपका खर्चा बढ़ नहीं जाएगा? उसके लिए मैंने एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। इस पार्टी में मैं ऐसे लोगों को बुलाया है जो मेरी तरह सक्सेसफुल राइटर्स बनना चाहते हैं। तो पार्टी में जो होता है उसे देखने के लिए मैंने एक टैक्स भी लगा रखा है, एक टिकट किया है। इनफैक्ट आई थिंक प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। बट हम इससे आपकी राइटिंग डीवैल्यू नहीं हो जाएगी? मेरा मतलब है कि आपकी तरह से 50-60 राइटर्स और हो जाएंगे तो फिर आपकी किताबें कौन पढ़ेगा? रवि रवि, डोंट बी नाइव। जितनी ऐसी किताबें लिखी जाएंगी उसको खरीदने के लिए उतने लोग होंगे। After all, didn't you know Bisharmi is always in fashion? Which reminds me, you must come for my party. Oh, thank you, thank you.
जाने से पहले एक आखिरी सवाल, लोग आपको वैम्प वैम्पायर बोलते हैं, I'm so sorry, but आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? I'm too pretty to be one. अभी भी खबर मिली है कि रुपए की गिरावट और महंगाई की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और दोनों पार्टी का मर्जर यानी विलय हो चुका है। दोनों पार्टी के संवाददाताओं ने कहा है कि वह एक होकर जनता की सेवा करेंगे। फिलहाल वे मिलजुल कर इस नई पार्टी का नया नाम सोचेंगे। यो ऑलराइट, श्री मनमोहन सिंह को इस पार्टी की बुद्धिजीवी प्रेरणा माना गया है। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नमस्कार, अब हमें पता चल गया है कि रुपए की गिरावट और महंगाई दरअसल दो बिछड़े हुए भाई हैं जो अपनी अपनी तरह से अब तक जनता की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए थे, लेकिन अब दोनों मिल गए, इसलिए अब गेहूं की कीमत 2 रुपए किलो कर दी जाएगी। लेकिन गेहूं के बारे में सोचने का, गेहूं खरीदने का और आटा पिसाने का सरचार्ज भी अब से गेहूं की कीमत में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 किलो गेहूं की कीमत 124.95 रुपए हो जाएगी। करेक्ट, दैट्स गुड न्यूज फोक्स। अब से कपड़ों का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन रुपए में गिरावट की वजह से वो काफी महंगे हो जाएंगे, यानी जनता की पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। पर जांघिया और बनियान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और अब से जांघिया और बनियान हम लोगों की नेशनल ड्रेस होंगे। एक्सक्यूज मी, आई मीन हाउ वंडरफुल, हमारी इंटरनेशनल इमेज के लिए कितना अच्छा होगा। और इसी वजह से हमें $2 बिलियन का और उधार मिल जाएगा। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए हम कुछ और भी क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, जैसे संपन्न वर्ग को टैक्स फ्री यानी कर मुक्त कर दिया और पिछड़े वर्गों को 20 साल बाद नौकरी देने का आश्वासन दे दिया गया है और मध्यम वर्ग को मोक्ष का रास्ता बता दिया है और निचले मध्यम वर्ग को करो या मरो कार्यालय में नौकरी दे दी गई और इस तरह हमारी इमेज में निखार आएगा और हमारी जीभों में सुधार आएगा, देश में उधार आएगा, नैतिकता में उतार आएगा और ये सब देखने के बाद हम सबको बुखार आएगा। Wasn't that just lovely? Of course, बिल्कुल। तो भाई और बहनों, आइए आपको ले चलते हैं ऊंचाइयों तक, जहां आपको सिर्फ इंडियन हेयरलाइंस ही पहुंचा सकती है। इंडियन हेयरलाइंस। क्या हो गया है? देखते नहीं, अंधे हो क्या? सिस्टम इज डाउन। बहुत गिरा आदमी है साहब, एक्सक्यूज मी, मुझे इस कंट्री को अर्जेंटली लीव करना है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है? थैंक यू। लगता है आप अभी अभी आए हैं। जी हाँ भाई साहब, ये पहली पहली फसल आई। हमारी तरफ देखिए, पहले लौकी लगाई, फिर भिंडी आई, लेकिन इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट अभी तक नहीं आई। ट्रेनी पैक पे ग्रोइंग द वेजिटेबल पैक काली कलेक्टिंग फूड कूपन ऑन दी काउंटर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के खाने के कूपन 1 साल ले लो। तो बहुत अच्छा है,
अगर इस देश का हर एक व्यक्ति एक एक हवाई टिकट खरीद ले तो इस देश की भूख की समस्या ही खत्म हो जाए। हेलो, ये मेरा, ये मम्मी का, देख लो यहाँ टिकट दिखाती दिखाते फट गए। आधी टिकट पे पूरी सवारी अंदर करना चाहते हो? ए अंकल जी, मेरी मम्मी को क्यों डांटते हो? जब मैं यहाँ एयरपोर्ट में आया था सचमुच छोटा था, अब देखो मेरी दाढ़ी आ गई लेकिन तुम्हारी फ्लाइट नहीं आई। लाओ दो टिकट दोनों, चलो मम्मी। अरे अरे अरे, तुम्हारी सिक्योरिटी, अरे अरे क्या कर रहे, तुम्हारी सिक्योरिटी के चक्कर में रहेंगे तो हमारी शादी भी नहीं हो जाएगी। अरे अरे, नमस्कार, इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आप सबका स्वागत है। आपकी मुख्य विमानी कैप्टन एस मिश्रा है। कृपया सिगरेट आदि बिठाएं और चुपचाप बैठ जाएं। टांगे मत फैलाइए वरना आगे बैठे पैसेंजर्स को तकलीफ हो सकती है। अब हम आपको ऑक्सीजन मास्क प्रयोग करने की विधि बताएंगे। आपके ठीक नीचे आपकी सीट है। कैबिन प्रेशर में कमी आने पर आपकी जान अपने आप निकल जाएगी। सिगरेट आदि बिठाएं और पाइप खींचे। आपकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाएगी। प्लेन में तीन इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। आपके ठीक पीछे दाहिनी तरफ, आगे बाई तरफ, ऊपर नीचे की तरफ। इधर उधर मत देखिए और मेरी बात सुनिए। मगर भगदड़ में आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए भूल जाइए। सीट के नीचे आपकी लाइफ जैकेट्स हैं। प्लेन के पानी में गिरने या बाथरूम जाते समय लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, वरना डूब सकते हैं। सुरक्षा सूचना कार्ड आपकी कुर्सी के पॉकेट में है, मगर न मिले तो प्लेन क्रैश होने के बाद वाणिज्य अधिकारी से संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार। See you next week. Tishum.